नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सी के न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज व स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज बगरा में ध्वजारोहण किया गया। मुख्य अतिथि सचिव प्रबंधक कुंवर देवराज परवार कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। दी गई प्रस्तुतियों ने लोगों व बच्चों को देश की आज़ादी में योगदान देने वाले शहीदों के बारे में बताया। साथ ही यह संकल्प दिलाया कि हमें किसी भी स्थिति में देश के प्रति शहीदों के योगदान को नहीं भूलना है। विद्यालय के बालक बालिकाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अतिथियों द्वारा सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। राष्ट्रगान के उपरांत देशभक्ति से प्रेरित उद्घोषों से वातावरण गुंजयमान हो गया। चौगामा की आवाज़ के लिए संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रिय बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्वाधीनता में आप सांस ले रहे हैं वो ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि 8x8 फुट की कोठरी के अंदर हमारे वीरों ने और क्रांतिकारियों ने आधी बाल्टी पानी उन्हें मिलता था, कोई बिजली नहीं होती थी, उसने अपने वर्षों गुजार कर तब ये स्वाधीनता प्राप्त की है। और इस स्वाधीनता को अक्षुण रखने के लिए हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि वो अपने आप को सजग प्रहरी के रूप में रखकर, अपने सेनावर्ती के सैनिक के रूप में रखकर, सेनावर्ती के सिपाही के रूप में रखकर अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और जन जन में ये प्रचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम हो, मानसिक रूप से सक्षम हो और जो आतंकवाद की लहर हमारे देश को ग्रसने के लिए खड़ी है, उस आतंकवादी लहर को रोकने के लिए आप लोगों को सन्नत रहना होगा, तभी ये भारत राष्ट्र जो है उन्नति के स्तर पर पहुंचेगा। मेरा कहना ये है कि हर परिवार में एक बच्चे का कानून होना चाहिए, एक बच्चे का कानून जिस दिन बन जाएगा विकास की गंगा बहेगी और विकास सबको प्राप्त